नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टीवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मार्केट पे निकले हुए हैं एक टेलीविजन लेने के लिए, और अगर आप में थोड़ा बहुत पेशेंस है कि आप एंड ऑफ सितंबर तक वेट कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज जस्ट द राइट वीडियो फॉर यू। क्यों? क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं अबाउट एन अपकमिंग टेलीविजन हाइसेंस की U6K। अब दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द इंटरनेशनल मॉडल। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा वाई दिस इज अ वेरी डिफरेंट टीवी देन द इंटरनेशनल मॉडल जो रिलीज हुई थी, और इस टीवी में क्या क्या फीचर्स हैं जो इसे नोटवर्थी बनाती हैं, और आपको शायद रुकना चाहिए अगर आप एक बजट में एक अच्छी टीवी लेना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है, पर अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं ना ऑफ दिस टीवी, देन लाइक ठोक दो यार। अगर मुझे 1,000 लाइक्स मिल गया ना इस वीडियो पे, तो मैं आपको इसका हैंड्स ऑन रिव्यू भी ला करके दे दूंगा। तो 1,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो इज इक्वल टू हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ द हाइसेंस U6K। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, इट्स एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीविजन के बारे में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों दिस इज वर्दी ऑफ योर मनी, और क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है। यार, वीडियो शुरू करने के पहले ना मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। मेरा जो स्पिरिट है, आई मीन माय एनर्जी लेवल्स आर अ लिटिल लो। आई एम स्टिल इन कोविड, मुझे कोविड हो गया था। आई मीन नॉट 100%। इनफैक्ट इफ आई एम परस्पायरिंग इन दिस वीडियो एज वेल ना, इट्स ओनली बिकॉज आई एम नॉट वेल। आई एम रियली नॉट वेल, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइस। इसलिए ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जनरली मेरे वीडियो तो होते हैं 20-25 मिनट के। आई ट्राई टू रैप दिस वीडियो अप एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बात मत करना। सो ये बोल करके वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। तो व्हाट टाइप ऑफ अ टीवी इज दिस? नाउ ये एक बजट टीवी है जो हाइसेंस लेके आ रही है। दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द मिनी एलईडी U6K जो इंटरनेशनली लॉन्च हुई थी। सो जो इंटरनेशनली लॉन्च हुई थी वो एक मिनी एलईडी बजट टीवी थी। दिस इज नॉट अ मिनी एलईडी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइसेंस के पैकेजिंग में जनरली लिखा हुआ होता है यूलेड। देयर यूलेड्स आर टेक्निकली देयर क्यूलेड्स। यूलेड उनका एक इंटरनल नेमिंग कन्वेंशन है, वो अपने क्यूलेड्स को भी यूलेड्स ही बुलाते हैं। जैसे सोनी फॉर इंस्टेंस कभी अपनी टीवी को क्यूलेड नहीं बोलेंगे। जहां पे आपको उनका ट्राई ल्यूमिनस प्रो दिख जाए, ट्राई ल्यूमिनस, समझ लीजिएगा इट इज एक्चुअली अ क्यूलेड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट दे वर पायनियर्स ऑफ इट। तो उसी की तरह दिस इज एक्चुअली अ क्यूलेट, इवन दो दे कॉल इट अ यूलेट। आई मीन यहाँ पे तो एटलीस्ट उन्होंने क्यूलेट लिखा हुआ है, बट बॉक्स वॉक्स पे क्या लिखा हुआ है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि जनरली बॉक्स में वो लोग फिर भी यूलेट लिख ही देते हैं। तो ये एक क्यूलेट टेलीविजन है, यानी क्वांटम डॉट लेयर भी इसमें होगा पैनल और बैक लाइटिंग के बीच में। एज फार एज द पैनल गोज, दिस इज गोइंग टू बी अ VA पैनल स्ट्रेट अवे। कोई भी IPS ऑप्शंस आपको आएगा नहीं। ये तीन साइजेस में आपको अवेलेबल मिलेंगे, 43, 55 एंड 65 इंचेस। इसकी जो ऑनलाइन रिटेल लिस्टिंग है दैट इज ऑलरेडी गॉन अप बाय द वे ऑन Amazon। सो Amazon पे द रिटेल लिस्टिंग इज ऑलरेडी अप। आपको अगर इस पेज की डिटेल्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस टीवी को अभी बुक भी कर सकते हैं। एक प्री बुकिंग ऑफर भी चल रहा है जहां पे सिर्फ आप 500 रुपए दे करके इस टीवी को प्री बुक कर सकते हैं। ये जो 43 इंच वाला मॉडल है इट इज वेरी कंपेरेटिवली प्राइस्ड एट 25,999। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्यूलेट्स जो इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको 120 हर्ट्स, हालांकि वो एल्गोरिथमिकली बूस्टेड है बिकॉज दिस इज एन HSR पैनल। तो ऐसा नहीं कि इट इज अ नेटिव 120 हर्ट्स, इट इज आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियली या एल्गोरिथमिकली बूस्टेड 120 हर्ट्स। तो इस प्राइस पॉइंट में एट 25,999 आपको मिल रहा है एक क्यूलेट, आपको मिल रहा है 120 हर्ट्ज का HSR पैनल, जस्ट लाइक यू हैव इन दी A7K या टोनेडो 3.0 या फिर तोशीबा की जो M650 भी लॉन्च हुई थी जो मिनी एलईडी टीवी थी, उसमें भी आपको सेम HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। सो इसमें वो टीवीज के सारे गुण है जो आपको टीवी में चाहिए एक क्यूलेट में चाहिए इन 2023। बिकॉज इसके अलावा आपके पास क्या है, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल भी मिल रहा है। जी हाँ, इसमें आपको एक फॉल्ट पैनल मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दे आर गिविंग यू अ फॉल्ट पैनल एट दिस प्राइस एंड एट 25,999 स्पेसिफिकली फॉर द 43 इंच। दिस इज टफ टू बीट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पॉइंट।
तो इसलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था, अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं और अगर आप में पेशेंस है टू एंड टिल द आई मीन टू वेट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ सितंबर, बिकॉज दिस इज लॉन्चिंग ऑन 29th सितंबर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 29 सितंबर को आप इसे परचेस कर पाएंगे. सो ये उस दिन को लॉन्च होगी. अगर आप वेट कर सकते हैं, दिस इज डेफिनेटली अ वर्दी कंपेरेटिव. वन मोर एडवांटेज एज टू व्हाई यू शुड टेक अ लुक एट दिस टीवी इज बिकॉज जब ये स्टार्ट में लॉन्च होगी ना, आपको इसमें 4 साल की वारंटी मिलेगी एज अ प्रमोशनल ऑफर. यूजुअली 2 साल की वारंटी होती है, बट एट दिस लॉन्च इवेंट या एट दिस लॉन्च आपको एक प्रमोशनल 4 साल की वारंटी मिल रही है Hisense की तरफ से. एंड एट 4 इयर्स वारंटी विद QLED पैनल विद HSR 120 हर्ट्ज विद फुल अरे लोकल डिमिंग, आपको दिस प्राइस पॉइंट पे इससे बेहतर ऑप्शन फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो नहीं मिलेगा कोई भी टीवी में, चाहे वो आप बजट ले लें चाहे आप वो लीडिंग ब्रांड ले लें. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टीवी की जो ब्राइटनेस है, ये आपको यहाँ पे शायद लिखा होगा नहीं लिखा होगा पता नहीं, बट इसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी. सो लेट मी जस्ट चेक दैट इज वेल, यहाँ पे उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो टू बैड, बट दे आर गोना गिव यू 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस. तो लेट्स गो इन टू द लिस्टिंग ईयर एंड सी विद लिस्टिंग में उन्होंने मेंशन, हाँ जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल रही है. इसमें आपको डॉल्बी विजन IQ मिल रहा है, इसमें आपको HDR 10 प्लस, जी हाँ HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल रहा है, HLG का सपोर्ट मिल रहा है, आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल रहा है, ताकि अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट से बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, स्पेशली अगर आप PC गेमिंग करते हैं. ऑटो लो लेटेंसी मोड तो आपको मिलेगा ही क्योंकि HDMI 2.1 है, और HDMI 2.1 की बात करें तो ER का भी सपोर्ट मिलेगा. इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, तो पोर्ट्स के मामले में भी यू आर कवर्ड. 2 GB का रैम है, 16 GB का स्टोरेज है, और इस टीवी में गूगल टीवी OS है, और हैंड्स फ्री आपको कंट्रोल करने के लिए फायर फील्ड माइक्स भी दिए गए हुए हैं. अगर आप इस टीवी को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, रिमोट इज वेरी मच लाइक द Hisense U7H या E7K Pro या फिर व्यू की ग्लोलेट से भी मिलती जुलती है. काफी सारे हॉट कीज है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लाइव, प्राइम वीडियो, डिजनी हॉटस्टार, और एक एक्स्ट्रा बटन भी है, आप उसे बोल सकते हैं ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कौन सा हॉटकी उस बटन में चाहते हैं. तो दिस टीवी ओवरऑल लुक्स प्रिटी वेल बिल्ट, सॉलिड बिल्ट दिख रहा है इसका, आपको इसके स्टैंड्स और डिजाइंस काफी अच्छे लगेंगे. यहाँ पे मैं बता रहा था नीचे में, जैसे कि आपको दिखेगा कि एक फाफील माइक का भी ऑप्शन है. तो ओवरऑल दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी गुड price to value ratio offering, and मेरे हिसाब से आपको definitely wait करना चाहिए अगर आप में patience है. और अगर आप wait नहीं करना चाहते हैं और आज ही के दिन में अगर आप एक TV लेना चाहते हैं, तो आपके मन में ये सवाल भी होगा, how does this compare to Hisense की खुद की E7K Pro and Hisense की खुद की U7H? तो how does it compare? Number one, both those TVs, E7K Pro and U7H, are native 4K 120 Hz panels. इसका मतलब है उसमें आप 4K 120 Hz with HDR enjoy कर सकते हैं अगर आप गेमिंग करते हैं. प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ नेटिव 120 Hz पैनल. यहाँ पे हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है HRR 120 Hz पैनल, बट दिस इज टेक्निकली अ 60 Hz पैनल विद HSR 120 Hz which is algorithmically boosted. So this is actually at the end of the day a 60 Hz पैनल फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. हाँ, गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं, सेटिंग्स में एक ऑप्शन होगा जहां पे आप HSR 120 Hz को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इसमें आपको MEMC भी मिल रहा है, तो मोशन हैंडलिंग भी इसकी अच्छी ही होने वाली है. तो ओवरऑल इसमें साउंड के मामले में आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, विच आर गोना बी रीजनेबल, बिकॉज अगर आपने Hisense की A7K या A6K भी अगर शोरूम में देखी होगी, इसकी जो साउंड है इट इज रिस्पेक्टेबल, इट्स नॉट अ रूम फिलिंग साउंड. आपको डेफिनेटली एक साउंड बार साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, पर इट्स नॉट बैड for what it is and for what it's offering at this price point. आप ये भी note कीजिएगा इस price point पे. अब Amazon पे I was only able to find the 43 inch की listing. अगर आपको 55 या 65 inch चाहिए, आप JioMart या Reliance Digital के site पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको 55 inch या 65 inch, जैसे कि यहाँ पे 69999 दिखा रहा है, आपको और भी discounts मिल सकते हैं इसके ऊपर. और 55 inch अगर आप Reliance Digital पे चले गए, आपको Reliance Digital में 55 inch का भी option मिल जाएगा.
एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखा रहा है 55 इंच एट 56,999। तो जियो मार्ट में आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, 55, 65 इंचेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा होने वाला है कि अगर ऑनलाइन यानी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी लिस्ट होगी तो कितना अप्रोक्सीमेटली प्राइस होने वाला है 55 एंड 65 इंचेस का, विच मेरे हिसाब से इज स्टिल वेरी कंपेटिटिव एंड इट इज गुड। बट एट दैट प्राइस पॉइंट यू आर ऑल्सो गेटिंग द हाइसेंस E7K Pro एंड द हाइसेंस U7H, जो आज के दिन में आपको 65 इंच तो 55,000 रुपीज में मिल रहा है। आंख बंद करके आपको ले लेना चाहिए अगर आपको ये प्राइस पे मिल रहा है हाइसेंस U7H। अगर आप वेट नहीं करना चाहते, U7H एंड E7K Pro आर स्टिल ग्रेट टीवीज, पर अगर आप वेट कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ दोस टीवीज दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल यू आर लुकिंग आउट फॉर टीवीज इन दिस प्राइस पॉइंट इन अ बजट रेंज। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इस टीवी को लेकर के या फिर कोई भी दूसरी टीवी को लेकर के, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। आई एम नॉट गोना बी एबल टू टॉक फॉर लॉन्ग, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस वीडियो। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो आ गई है। और इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, आप उस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स एंड बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे अमेजोन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। पर आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।